स्वागत है आपका सीएनबीसी आवास पर। हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। दास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला हिंदी इंटरव्यू है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं आपका गवर्नर बनने के बाद, और कोरोना काल में तो ये पहला ही इंटरव्यू है, तो बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में है उनके जवाब मिलेंगे आपसे। जो सबसे पहली बात मैं पूछना चाहूंगा, सबके दिमाग में इस समय यह है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, इंडस्ट्री की हालत बहुत ही खराब है। अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काफी काफी मुश्किल अभी भी दिख रहा है कि पिकअप जल्द ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपने जो अपनी पिछली पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि चूंकि महंगाई दर 6% से ऊपर लगातार है, तो शायद अब आपके पास रेट कम करने की जगह नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि रेट बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे जो दर्शकों हैं और बाकी दर्शक, उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, कोविड मार्च में इंडिया में लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ, और जो इंडिविजुअल मेंबर्स है एमपीसी में, उनके मिनट्स जो कल रिलीज हुए हैं उसमें ऐसा कुछ नए नहीं कहा गया जो कि एमपीसी रेजोल्यूशन में नहीं है। जो एमपीसी रेजोल्यूशन में है उसको दोहराया गया, तो कुछ नए चीज़ उसमें नहीं है। और आप अगर एमपीसी रेजोल्यूशन देखेंगे उसमें बहुत साफ से ये बताया गया है, और मेरा जो मिनट्स है उसमें भी ये साफ बताया गया है और बाकी मेंबर्स के मिनट्स में भी है कि पॉलिसी स्पेस है हमारे पास। ऐसे नहीं कि पॉलिसी स्पेस सारे एग्जॉस्ट हो गए, हम कुछ लोग कहते हैं कि रेट साइकिल खत्म हो गया, पॉलिसी स्पेस आरबीआई के पास कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने अपने मेरा मिनट्स के मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसमें मैंने कहा कि वी हैव टू कीप द आर्सेनल ड्राई, जो गन पाउडर है उसको ड्राई रखना चाहिए और उसको फ्यूचर में अपॉर्चुनिस्टिकली और जुडिशियसली यूज करना चाहिए। तो पॉलिसी स्पेस है, उसको हम जुडिशियसली यूज करेंगे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अनसर्टेंटी, मतलब आगे जाके क्या होगा उसके बारे में काफी अनसर्टेंटी है, और ये सारे डिपेंड करते हैं कि वैक्सीन कब निकलेगा, कोविड कब फ्लैटन आउट होगा। लेकिन मैं जो बार बार मार्च के बाद से हमारा जितने पॉलिसी स्टेटमेंट मैंने किया है, एमपीसी पॉलिसी हो या अलग से जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने हमेशा ये कहा है कि देखिए, एक चीज़ होता है ह्यूमन रेसिलियंस और एक चीज़ होता है ऑप्टिमिज्म। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ, और उम्मीद ये है कि देखिए, भारत में भी 3 रिसर्च अभी चल रहे हैं वैक्सीन के बारे में, और मैनकाइंड जो है, ह्यूमन मतलब मानव समाज जो है, उसको ये जो युद्ध है, ये सारे मानव समाज के लिए युद्ध है, उसको तो हम ये जो युद्ध है इसको जीत के रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कितना टाइम लगेगा वो अभी कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन आरबीआई के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल पॉलिसी टूल्स है, मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में स्पेस है, जुडिशियसली उसको फ्यूचर में यूज करेंगे ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम हो। तो अगर महंगाई की दर ऐसे ही रहती है, सीपीआई की दर जिस स्तर पे है, और आपकी चूंकि लिमिट है कि आप 4% प्लस माइनस 2 कहते हैं, यानी 6% के ऊपर उसके आसपास बनी रहे, तो जाहिर है कि आपका मैंडेट है चूंकि सरकार की ओर से कि आपको इसको मैनेज करना है, इसके ऊपर लगातार रहे तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसको मिटिगेट करना होगा, तो आपके लिए संकट तो है। देखिए, फिलहाल तो वो सिचुएशन आया नहीं, और आगे जाके हम क्या करेंगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं अभी कोई स्पेकुलेशन या कोई फॉरवर्ड गाइडेंस देना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे पास पॉलिसी स्पेस है और हम उसको जब जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मिनट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन एक कंस्ट्रेंट है, एक बाधा है आपके लिए। आप कह रहे हैं कि फिलहाल महंगाई आपके लिए बिल्कुल कोई बाधा नहीं है। देखिए, हम जब डिसीजन लेते हैं कई सारे चीज कंसिडर करते हैं, हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हैं, सीपीआई देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन कितना है, कोर कितना है, फ्यूल कितना है, WPI की तरफ भी देखते हैं क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो प्रोड्यूसर एंड में प्राइस लेवल क्या है उसका इंडिकेशन देता है, और उसके बाद जो सप्लाई चेन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, टैक्सेशन, वो WPI के ऊपर लोड होके फिर वो CPI बनता है। सो बहुत सारे एंगुलरिटीज कंसिडर करके हम डिसीजन लेते हैं, और आगे जाके फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पॉलिसी स्पेस है, उसको हम इन फ्यूचर प्रूडेंटली और जुडिशियसली यूज करेंगे। चूंकि आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जो आपका एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एमपीसी का जो मैंडेट है, वो सिर्फ सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन पे है, और चूंकि वो अब रिव्यू होने वाला है अगले साल, तो
क्या आपकी ये बातचीत चल रही है या आप ये प्रपोज करेंगे कि उसमें बदलाव किया जाए, उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए ताकि इन चीजों का भी समावेश हो कम से कम, या WPI का समावेश हो, ऐसी कोई बात है? देखिए, सेक्शन 45ZA RBI एक्ट का ये जो सेक्शन है वो बहुत क्लियर है। उसमें ये कहा गया है कि हर एक 5 साल में भारत सरकार जो पॉलिसी रेट है, विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन, क्या टारगेट होना चाहिए, हर एक 5 साल में उसको भारत सरकार रीसेट करेंगे। सेक्शन 45ZA जो कि MPC में के बारे में डील करता है वो सिर्फ यही कहता है, उसमें और किसी तरह के रिव्यू का जिक्र नहीं किया गया है। टारगेट रहेगा नहीं रहेगा, टारगेट कितना होना चाहिए सिर्फ वही गवर्नमेंट रिव्यू करके उसको रीसेट करेंगे। RBI में हमने जो कहा कि हम इंटरनली एक रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो रिव्यू हम कर रहे हैं वो रिव्यू में हम देखेंगे कि पिछले जो 4-5 साल से ये पॉलिसी हाउ इट हैज वर्क्ड, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, जिस तरह से MPC उसको रिस्पॉन्ड किया उसका हाउ इट हैज एक्चुअली वर्क्ड, और आगे जाके क्या क्या हमको आउट ऑफ मतलब जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्या लेसन्स हमको मिलते हैं ताकि हम आगे जाके जो MPC का रिस्पॉन्स है और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ अ रिव्यू, इट्स ए काइंड ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन। ओके, आपने चूंकि कहा कि स्पेस है और आप उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहेंगे, उससे ये अंदाजा भी लगता है कि शायद है तो जरूर लेकिन बहुत थोड़ा स्पेस है, क्योंकि आपने काफी रेट कट्स किए हैं और खासतौर पे हाल में ये कोरोना संकट आने के बाद 155 बिप से आपने रिवर्स रेपो रेट कट किया है अगर आप देखें तो। उस लिहाज से क्या एक या दो रेट कट की ही जगह है, क्योंकि लोग हिस्टोरिकली देखते हैं कि आपके रेट्स कहाँ थे और आप अगर ऑलरेडी हिस्टोरिकल लो पे आ गए हैं? देखिए, इसके बारे में मैं कोई स्पेकुलेट करना नहीं चाहता हूँ, और एक नया MPC भी अभी बनेगा, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नया मेंबर्स आएंगे, तो उनका व्यू क्या होगा, MPC आगे जाके क्या करेगा वो मैं प्रीजज करना नहीं चाहता हूँ इस स्टेज पे। और ये सिर्फ गवर्नर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, 6 मेंबर्स है उसमें डिस्कस करके हम डिसाइड करेंगे। ओके, मैक्रो इशू पे फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जिसकी निवेशकों को, बाजार को, पार्टिसिपेंट्स को, सारे इंटरमीडिएट्स को काफ़ी चिंता है उस पर बात करते हैं। सितंबर के अंत में ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत NPS बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मोरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात जरूर की। क्या ये मानना चाहिए कि अगस्त एंड में मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको ये बात जो है मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग जिसको आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ, सो बस 2-3 मिनट लूंगा उसके बारे में। हमने जो अभी डिसाइड किया जिसको आप रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हम उसको कह रहे हैं कि कोविड रिलेटेड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क। ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है, और जब हमने फैसला लिया है दो साइड कंसिडर करके हमने लिया है। एक तरफ हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी जब ग्रोथ अचीव करना चाहिए और पर्टिकुलरली कोविड के जो सिचुएशन है हमको रिवाइव करना है इकोनॉमी को, तो बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंकों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि बैंक किसके पैसे के साथ बैंक किसके पैसे के ऊपर लोन दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, डिपॉजिटर्स पैसा है वो, तो डिपॉजिटर्स जो है बड़े डिपॉजिटर है, छोटे डिपॉजिटर्स है, मध्यम वर्ग के डिपॉजिटर्स है, उनका जो डिपॉजिट्स है वो भी सेफ रहे उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, ये एक तरफ है। दूसरे तरफ हमको कोविड सिचुएशन में ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस जो है अभी बहुत स्ट्रेस में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, और एक बिजनेस जब स्ट्रेस में रहता है तो उसके सामने दो रास्ता है, जो लोन लिया है टर्म लोन लिया है उसके सामने दो रास्ता है बैंकों के लिए या RBI के लिए। एक तो आप कुछ ना करें, उनको NPA बनाने दीजिए और वो बिजनेस जो हो वो फेल हो जाएंगे, रिपे नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस है और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। अदर ऑप्शन जो है वो है कि जो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं, जिस बिजनेस का एक टेम्पररी कैश फ्लो प्रॉब्लम है कोविड के लिए, वो अदरवाइज वायबल यूनिट है लेकिन कोविड के लिए उनका कैश फ्लो में प्रॉब्लम है और उनका थोड़ा अगर रेजोल्यूशन करके मदद कर दे बैंकों की तरफ से, थोड़ा रेगुलेटरी कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो बिजनेस रिवाइव कर सकते हैं। तो जब बिजनेस रिवाइव करते हैं वो फ्यूचर में जाके वो लोन रिपे कर देंगे,
जॉब जो है, जितने लोग काम कर रहे हैं, रोजगारी जो है उस बिजनेस में, वो बचेगा और वो इकोनॉमी के लिए अपना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करेगा, तो बिजनेस जो है बच जाएगा और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो बहुत जरूरी है। सो ये दोनों तरफ हमने देख के, और इसी, हाँ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सारे बोरोअर्स का जो है हमने कंसिडर किया है, एक तो है बिजनेस बोरोअर्स, एक है रिटेल बोरोअर्स, और हमने ये जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ये किया है, ये रिजोल्यूशन फ्रेम देखिए, मोरेटोरियम जो है वो एक टेम्पररी रिस्पॉन्स था लॉकडाउन के लिए, अभी लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है और हमको एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक ड्यूरेबल सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मोरेटोरियम जो हो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, 3 महीने का लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन कुछ बढ़ गया, हमने 6 महीना उसको कर दिया, वो टेम्पररी सोल्यूशन था। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो लोन है, चाहे वो रिटेल पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, उसको रिजॉल्व करे। और इसमें हमने साफ ये भी कहा है कि दो साल तक जो बैंक जो लोन हो है, मतलब वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, 2 साल जो है उसको रिशेड्यूल कर सकते हैं, उसका जो टेन्योर है 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, और वो 2 साल सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं, उसमें मोरेटोरियम भी दे सकते हैं, और मोरेटोरियम एक लोन में 3 महीना मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, 1 साल तक मोरेटोरियम मिलेगा, वो बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब कह रहे हैं कि मोरेटोरियम को हमने अभी रिस्ट्रक्चर, मतलब जो रेजोल्यूशन हैज रिप्लेस्ड मोरेटोरियम, मोरेटोरियम एक टेम्पररी सोल्यूशन था, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है एक ड्यूरेबल सोल्यूशन है, और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर भी जो बोरोअर है उनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिलेगा 2 साल तक, और उसमें भी उनको मोरेटोरियम भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये एक ड्यूरेबल सोल्यूशन है, इसको मैं थोड़ा विस्तार रूप से इसीलिए बताया कि ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा एक आइडिया लोगों में बन गया है कि मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है तो आगे जाके क्या होगा, चिंता की कोई विषय नहीं है। अभी बैंकों आज भी जो आरबीआई में हमने 6 अगस्त को जो सर्कुलर जारी किया है, आज भी बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं कि मोरेटोरियम किसको मिल, सॉरी ये जो रेजोल्यूशन का बेनिफिट किन किन बोरोअर को मिलना चाहिए, वो आज भी बैंक डिसाइड करते हैं। और मेरे को जहां तक जानकारी है, सारे बैंक शायद इसी महीने के अंदर, अगस्त 31 के अंदर अपने बोर्ड में ये पॉलिसी डिसाइड कर लेंगे और आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपने जो केवी कामत साहब की कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही बैंक से काम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी कौन सा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल रिटेल लोन हो, मोरेटोरियम किसको देना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं। केवी कामत कमेटी सिर्फ कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में उनके रिकमेंडेशन देंगे, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR जिसको कहते हैं, वो कितना होना चाहिए, रेजोल्यूशन के बाद डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, इस टाइप का फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में वो रेकमेंड करेंगे। लेकिन किन किन को ये जो रेजोल्यूशन का बेनिफिट मिलना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है हमने तो बहुत साफ कर दिया कि फर्स्ट मार्च को वो स्टैंडर्ड एसेट रहना चाहिए, और जो डिफॉल्ट है 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पे बैंकों के पास इंफॉर्मेशन है कौन सा बिजनेस कैसा चल रहा है, कौन सा रिटेल बोरोअर पर्सनल बोरोअर का क्या है पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो तो बैंकों को पता है, वो आज भी फैसला ले सकते हैं। और भी एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये एक आइडिया बाहर बन रहा है कि शायद केवी कामत कमेटी 30 दिन लेंगे, उसके बाद RBI और 30 दिन लगा डिसाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है, टोटली 30 दिन है। 30 दिन के अंदर केवी कामत कमेटी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम जो है नोटिफिकेशन भी इशू कर देंगे, दोनों काम मिला के 30 दिन लगेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमने, आप जैसे आपने देखा होगा कि उसी जो केवी कामत है उनका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग लाइन में, और बाकी जो मेंबर्स है कमेटी में, दिवाकर गुप्ता है जो कि स्टेट बैंक के पहले MD रह चुके हैं, अभी ADB का वाइस प्रेसिडेंट अभी उसका काम संभाल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उस कमेटी में, तो उस कमेटी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स वो रिकमेंड करेंगे, मेरा उम्मीद ये है कि वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत एक वर्केबल और प्रैक्टिकल सजेशन देंगे। तो ये 1 महीना आप कहां से गिनेंगे, यानी पॉलिसी 6 अगस्त से 1 महीना। ओके, तो 6 सितंबर तक आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस RBI जारी कर देगा। और दूसरी बात जो आपने बताई कि कमेटी की रिपोर्ट के बिना बैंक्स खुद से तय कर सकते हैं, तो किसको मिलेगा रिस्ट्रक्चरिंग ये बैंक तय करेंगे,
रिपोर्ट के आधार पर केवल ये पता चलेगा कि कितनी रिलीफ मिल सकती है, जो पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग आपने कहा कि वो फ्रेमवर्क केवल कमेटी से आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बैंक ने किसी केस में ये कहा कि इसको रिस्ट्रक्चर करना है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाए? नहीं, इसी और भी एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, केवी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो बिजनेस लोन्स के लिए है, पर्सनल लोन के लिए केवी कमेटी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो पर्सनल लोन जो है जिसमें कि वो लोगों में बहुत मतलब अप्रहेंशन है, वो रिस्ट्रक्चरिंग बैंक अभी भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि केवी कमेटी जो नॉर्म्स इश्यू करेंगे वो सिर्फ बिजनेस लोन्स के लिए होगा। तो सितंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आ रहे होंगे बैंक्स के, उस समय बैंक्स ये रिस्ट्रक्चरिंग करके नए एनपीएस घोषित करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, जो भी स्लिपेज है वो रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आ जाएंगे, आपको लगता है उसके लिए पर्याप्त समय है? क्योंकि अगर बैंक्स प्लान कर भी रहे हो, फिर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, शायद ये प्रोसेस करते करते दिसंबर का वक्त चला जाएगा, तो सितंबर क्वार्टर के बाद में फिर भी काफी कुछ एनपीएस घोषित करना या प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़ सकती है बैंक्स को? देखिए, हमारा जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसमें तो एक प्रोविजन का प्रावधान है कि 10% प्रोविजन उनको करना पड़ेगा बैंकों को, और जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको 20% की प्रोविजन करना पड़ेगा, तो वो तो है। और बाकी जो सितंबर क्वार्टर का एंड जो है उस तारीख में जो होगा बैंकों का एनपीए पोजीशन, वो वही रिपोर्ट करेंगे, और जो रिकॉग्नाइज करेंगे बैंक्स, मतलब जितना रिकॉग्नाइज हो गया वो आगे जाके, हमने ये भी मैंडेट किया है कि बैंक उसको ट्रांसपेरेंटली उसके अकाउंट के साथ उसको डिस्प्ले उसको मतलब रिवील करेंगे। तो इसके बारे में सितंबर क्वार्टरली बैंक का अकाउंट्स कैसा रहेगा वो उसको आगे जाके हम आईबीए के साथ कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उनके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या इसका मतलब कोई डिफिकल्टी है, कठिनाइयां हैं, उसका कोई हल निकाल सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों में ये भी ये आप प्रश्न पूछा नहीं लेकिन बहुत रिलेवेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनपीए बिल्डअप है, प्री 2014 का सिचुएशन अलग था, उस वक्त क्रेडिट डेटा सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए कितने लोन्स रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, किस लोन का क्या सिचुएशन है, कितना रीपेमेंट हो रहा है, कितने अकाउंट एसएमए 1 में है, कितने अकाउंट एसएमए 2 में है, मतलब 30 दिन का डिफॉल्ट, 60 दिन का डिफॉल्ट, वो आरबीआई को जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जो क्रिलिक डाटा सिस्टम है उसमें बैंक, एनबीएफसी सबका जो 5 करोड़ 5 करोड़ एंड अबव जितने लोन्स है, वो लोन का स्थिति क्या है, उसका रियल टाइम बेसिस पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो एनपीए क्या बिल्डअप हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, आज हमारा जो पोजीशन है, हमको बहुत सारे जानकारी जो आज है वो 2014 से पहले नहीं था, क्योंकि वो क्रिलिक सिस्टम आज रियल टाइम इंफॉर्मेशन आरबीआई को देती है। तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। कुछ बैंकर्स का लेकिन ये कहना है, आपने जो ये कहा कि मार्च में, चूंकि वो 30 दिन का आपने लिमिट रखा है, मार्च के शुरुआत में स्टैंडर्ड होना चाहिए एसेट, ये कंडीशन है, तो कुछ बैंकर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको 90 दिन पूरा लेकर चलते कि अगर स्टैंडर्ड एसेट है दिसंबर तक पेमेंट है तब भी उसको कंसिडर किया जा सके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये रूल बाद में बदल गया। अगर किसी बॉरोवर को ये पता होता कि 30 दिन के ऊपर अगर पैसा जाता है तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मिलेगी, तो शायद वो पैसा दे देता, क्योंकि उसको पता था कि 90 दिन तक एनपीए नहीं होगा, तो कुछ लोगों ने डिलेट पेमेंट किया। नहीं, वो कहना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे जाके हम एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क करेंगे, ये तो किसी को पता नहीं था, तो आप कैसे प्रीजज कर सकते हैं कि आगे जाके आरबीआई मतलब मोरेटोरियम एक्सटेंड करता जाएगा, और तो इसलिए बेंचमार्क 90 डेज का ही था। और भी मैं ये कह रहा हूँ, हमने ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कहा है, वी हैव कॉल्ड इट, ये है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये कोविड रिलेटेड जो स्ट्रेस है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो 30 डेज नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 30 डेज, इसका मतलब ये है कोई भी बैंक अगर फरवरी में डिफॉल्ट किया है वो आज भी एलिजिबल है। अगर आप मान लीजिए कि 1 फरवरी से पहले आपने डिफॉल्ट कर लिया, उसका कोविड के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बिजनेस साइकिल हो सकता है, वो इंडिविजुअल कंपनी का कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम तो हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम कोविड का जो स्ट्रेस है उसको एड्रेस कर रहे हैं। और किसी भी बैंकिंग सिस्टम में जब आप रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस हो उसी सिचुएशन में प्रोवाइड करना चाहिए।
और जो ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो कोविड स्ट्रेस रेजोल्यूशन में जो एलिजिबल नहीं है वो आज भी जून 7 सर्कुलर के अंदर स्ट्रेस रिजोल्व उनका जो असेट है रिजोल्व कर सकते हैं। जून 7 सर्कुलर जो पिछले साल हमने जारी किया था वो आज भी वैलिड है और हमने 6 महीने के लिए एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल दे दिया। आप मान लीजिए 1 मार्च को किसी ने मान लीजिए 50 दिन का डिफॉल्ट में था, उसी दिन से उसका घड़ी जो एसेट क्लासिफिकेशन घड़ी 1 मार्च से बंद, 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से उसका जो एसेट क्लासिफिकेशन घड़ी फिर चालू होगा। तो मान लीजिए वो 50 दिन डिफॉल्ट किया है, उसके पास और 40 दिन है वो लोन रेक्टिफाई करने के लिए, उसको मतलब एनपीए जैसे ना बने उसके लिए स्टेप्स लेने के लिए उसके पास समय है। और बैंकों के पास और बोरोअर के पास 7 जून सर्कुलर है, 7 जून सर्कुलर के फ्रेमवर्क के अंदर वो जो एसेट इस हमारे जो कोविड स्कीम में एलिजिबल नहीं है उसको पिछले साल 7 जून सर्कुलर में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक दूसरी और जो शिकायत है कि 2 साल बढ़ाने के लिए आपने मौका दिया है, पर जैसे एक बैंकर ने मुझे कैलकुलेट करके बताया कि अगर आपका एक लोन है, होम लोन है, मान लीजिए आपने 6 महीने तक इंटरेस्ट नहीं भरा, तो जब आपका फिर से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 महीने का मॉरेटोरियम की वजह से 16 EMI ऐड हो जाएगी ऑलरेडी, तो नेट नेट बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि काफी लोगों की इनकम भी कम हो गई है। तो अगर इस मियाद में आप थोड़ी और ढील दे जहां भी पॉसिबल है बोरोवर्स के लिए तो ये एक कंस्ट्रेंट साबित हो सकता है क्योंकि जॉब लॉसेस काफी हैं, सैलरी कट्स काफी हैं, जो बिजनेस में है और उनके बिजनेस बंद है तो उनके लिए भी काफी कैश फ्लो की कंस्ट्रेंट है। नहीं देखिए, मैं इसको मतलब हम आगे जाके इसको एग्जामिन करेंगे ज़रूर, लेकिन मेरे को जहाँ तक मतलब मेरा जो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 6 महीने जो दिया था वो तो ऑलरेडी उसका एक तरह से वो उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर चुके हैं, इन द सेंस दैट उसका रीपे करेंगे, बढ़ा चुके हैं, अभी उनको उसके ऊपर और 2 साल मिलेंगे ना। नहीं, 6 महीने का EMI अगर आपने नहीं दिया तो चूंकि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, इसलिए 6 EMI मिस करने का मतलब है आपका टेन्योर 16 EMI से बढ़ जाता है, ये कैलकुलेशन। लेकिन और 2 साल हम दे रहे हैं ना उसके ऊपर, तो टोटल 24 मंथ्स आप दे रहे हैं, यानी 16 के ऊपर उनको 6-8 महीने और मिले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम अब 2 साल दे रहे हैं उनको, उनको जो 6 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया है और बाकी जो 2 साल वो 6 महीने के ऊपर और 2 साल हम दे रहे हैं। आप जो प्रश्न बता रहे हैं वो क्वेश्चन किसी ने हमारे पास अभी कोई ये डाउट किसी बैंक से हमारे पास आया नहीं है, कोई अगर बैंक से ये क्वेश्चन सवाल आता है तो उसको हम एग्जामिन करके क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे। मैं TV इंटरव्यू में ऑफ हैंड कोई रिप्लाई देना नहीं चाहता हूँ। अगर बैंकों के पास ये डाउट है और हमारे पास IBA की तरफ से या बैंकों की तरफ से एक क्वेश्चन आता है उसको हम क्लैरिफिकेशन जरूर इश्यू करें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आपके हिसाब से सही है ड्यूरेशन, और अगर जरूरत है तो आप उसके लिए तैयार हैं, आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है मदद करने के लिए, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो स्कीम हमने ड्रॉप किया है उसको बहुत सोच समझ कर और इसमें बहुत कंसल्टेशन किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ RBI के अंदर इसको हमने डिस्कस करके कर दिया है, हमने बहुत इसमें कंसल्टेशन किया, कई बैंकर्स के साथ भी कंसल्टेशन किया है, हमारे माइंड में क्या है ये नहीं बताया लेकिन डिटेल कंसल्टेशन किया है हमने बैंकों के साथ, कुछ रिटायर्ड बैंकर्स के साथ भी हमने भी कंसल्टेशन किया है, मार्केट के कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उनके साथ भी कंसल्टेशन किया है, RBI के अंदर बहुत इसको सोच समझ कर फैसला लिया गया है और हमारा ये उम्मीद है और हमारा ये मानना है कि ये चाहे वो रिटेल बोरोअर हो या तो फिर बिजनेस बोरोअर हो, बिजनेस लोन हो या रिटेल लोन हो, ये जो बोरोअर है उसके लिए वो बहुत ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चूंकि आपने ये बात बिल्कुल साफ कही कि आपकी ये जो करंट पॉलिसी है वो पूरी तरह से फोकस्ड है कोविड रिलेटेड जो दिक्कतें हुई हैं उस पर, लेकिन कोविड के पहले भी जब हम पॉलिसी में मिलते थे उसके अलावा बातें होती थी तो ये बात लगातार उठी है कि एक मंदी का, कमजोरी का, NPS का दौर चल रहा था, कुछ सेक्टर्स को जैसे कि रियल एस्टेट है एक मदद की जरूरत है, क्या चूंकि जब अब आप रिकवरी की बात कर रहे हैं तो सेक्टर की प्रॉब्लम पिछले 3 महीने की है, 6 महीने की है या उसके पहले की है, उसको देखते हुए कुछ खास सेक्टर्स के लिए रिलीफ लाने पर क्या आप विचार करेंगे, क्योंकि वहां पे पैसे फंसे हुए हैं, कैपिटल फंसी हुई है, वो फ्री होती है तो ही
आप इकोनॉमी को रिवाइव होते हुए देखेंगे? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सरकार की तरफ से भी बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं। एक रियल एस्टेट जो हाफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से, उसके लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी वो मदद दे रहे हैं, और वो कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। और जहाँ तक हमारा आरबीआई का पोजीशन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितने सारे असेट्स इस टाइप के हैं जो जिनका कि कोविड से पहले प्रॉब्लम था, उनको हमारा जो 7 जून सर्कुलर है, 7 जून सर्कुलर के अंदर उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने जो एक आंकड़ा हमको मिला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, उस समय ये रिस्ट्रक्चरिंग की बातें नहीं थी, तो उस वक्त जो डेटा था कि ओवरऑल 8.5% से बढ़ के 12.5% या 14.7% तक एनपीए हो सकता है। अब चूंकि इस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में काफी लोग क्वालिफाई करेंगे, आपका क्या अपना कोई असेसमेंट है? क्योंकि एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट मैंने देखी तो वो कह रहे हैं कि 8.4 लाख करोड़ या ऑलमोस्ट 7.7% केसेस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपके एनपीएस फिर इतने कम हो जाते हैं, तो अब आपका क्या असेसमेंट है, एनपीएस दरअसल कितने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल देखिए, जो हमने कहा था 12.5% वो बेसलाइन सिनेरियो था, और 14.7% जो हमने कहा था वो था एक्सट्रीमली सीवियर स्ट्रेस, मतलब बिल्कुल वेरी सीवियर स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस वो हमने कहा था। ये जो स्कीम हमने डिज़ाइन किया है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई का ये एक्सपेक्टेशन है कि इसमें बहुत सारे बिजनेस ज़रूर रिकवर कर जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे, और आगे जाके वो उनका जो लोन है वो बिल्कुल उसको सही तरह से रिपे कर सकेंगे। और इसीलिए हमने थोड़ा सा उनको रेगुलेटरी जो है डिस्पेंसेशन दिया कि वो आगे जाके उसको मेंटेन कर सकते हैं, और अपना अकाउंट जो है वो एनपीए कभी बनने नहीं देंगे आगे जाकर। और हमने इस बार काफ़ी, मतलब जो स्कीम है उसको काफ़ी, मतलब बोरोर का जो इंटरेस्ट है उसको नज़र में रखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको नज़र रख के दोनों तरफ को, मतलब दोनों तरफ का जो रिक्वायरमेंट है उसको, मतलब उसको कंसीडर करके एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी वजह काफ़ी सारे यूनिट, अब कितना सारे यूनिट रिवाइव हो जाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और कोई भी नंबर में अभी दो या कोई भी दे दे, उसका कोई आधार नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन हाउ इट प्लेज आउट इन द फ्यूचर। पर वो चिंता काफ़ी कम हो गई है इस स्कीम से, ये तो कह सकते हैं चिंता कम हो गई है ना, ये नहीं कि हमने उसको एक रेगुलेटरी एक फोरबेरेंस दे दिया। चिंता कम हो गई है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो स्ट्रेस में थे, बहुत सारे रिटेल बोरोअर्स जो स्ट्रेस में थे, ये रिलीफ के बजाय वो आगे जाके रेगुलर रिपेमेंट कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जो इस समय सामने आ रही है, चूंकि आप रेगुलेटर हैं तो सरकार की ओर से कोशिश हो रही है कि वो कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करें, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करें। जाहिर है कि इसमें आपकी मदद की और अप्रूवल की ज़रूरत होगी, आपका इस पर क्या व्यू है, क्या आप ये प्राइवेटाइजेशन होते हुए देख रहे हैं आने वाले महीनों में? देखिए, वो तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में सरकार तो, मतलब सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। जब सरकार से कोई हमारे पास कोई, मतलब सजे कोई किसी बैंक की तरफ से या कोई ऐसा प्रपोजल या कोई ऐसा लेटर आता है, तब हम व्यू लेंगे उसके बारे में। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात अहम वो ये है कि हर कोई बैंक खरीदने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई उसको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे जज करते हैं। और हमने देखा है पिछले कम से कम 20 सालों से जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ, सिर्फ 4 लाइसेंस दिए गए, बहुत मुश्किल से कोई क्वालिफाई करता है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई की इस प्रक्रिया में शुरू से भूमिका होगी, क्योंकि आप क्वालिफाई कर रहे होंगे उन बायर्स को, तभी वो ले पाएंगे, क्या इस तरह की कोई बातचीत या योजना चल रही है? इसमें भी अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि एक सिंपल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक तरफ ये है कि हमारे देश में जो है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, भारत देश में और भी बैंक्स बनना चाहिए। दूसरे तरफ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स जो है बाकी सारे बिजनेस की तरह नहीं है। बैंक जो है वो, मतलब डिपॉजिटर के पैसे के बेसिस पर अपना बिजनेस करते हैं। और आपको पता होगा और कि हमने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप अभी बनाया है। इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है वो, मतलब गवर्नेंस की तरफ देख रहे हैं और ओनरशिप एस्पेक्ट्स ऑल्सो वो रिव्यू कर रहे हैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप में। उसका जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो सितंबर एंड तक आ जाने का एक्सपेक्टेशन है। उनका जो रिपोर्ट आने के बाद हम इसके बारे में कुछ व्यू लेंगे। तो
यानी उन में नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉर्पोरेट को बैंक बनाने, चलाने या खरीदने की अनुमति नहीं देते। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसको हम कंसीडर करेंगे। अभी तो मैं इसके बारे में कोई स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और बहुत ही बड़ा स्टेप आपने लिया, यस बैंक को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि उस समय काफी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर इस बैंक को कुछ हुआ तो इसके पीछे और दूसरे प्राइवेट बैंक्स पे भी रन हो सकता है। तो ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था, हम कहेंगे आरबीआई की ओर से, क्योंकि आपने काफी सारे कदम उठाए, काफी सारी नियमों में ढील दी और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिस तरह से खड़ा किया गया उसके लिए आपको जरूर बधाई देनी चाहिए। लेकिन ये एक कोई टेम्पलेट या कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है, आगे अगर फिर से कोई ऐसी दिक्कत होती है तो क्या होगा? जैसे पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो पहले शिकायत कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं वो कोऑपरेटिव बैंक है तो वो इस तरीके से नहीं चल सकता। तो आपको लगता है बैंक्स में इस तरह की दिक्कतें न आए उसके लिए, और अगर होती है तो वो रिजोल्यूशन के लिए एक पक्के फ्रेमवर्क की जरूरत है? देखिए, एक तरफ तो हमारा जो सुपरविजन है उसको हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत उसको टाइटन किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। इसके बारे में मैं बाकी मीटिंग्स में या कोई इंटरवेंशन में हम जिक्र कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं रिपोर्ट नहीं कर अभी आपको उसके बारे में रिपीट नहीं करना चाहता हूं। हमारा जो सुपरविजन काफ़ी इम्प्रूव किया है हमने, तो उस सिचुएशन पहुंचने से पहले आप देखिए गवर्नेंस के बारे में हम एक डिस्कशन पेपर भी प्लेस किया है, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम ला रहे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में, सुपरविजन में, बैंकों के बारे में। और जो फ्रेमवर्क है वो सेक्शन 45 जो है, नॉट सेक्शन 45 लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो प्रोविजन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके ऊपर, और आरबीआई एक्ट में भी जो प्रोविजन वगैरह है उसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, आज भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि वो सिचुएशन न पहुंचे। और कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अभी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है, कुछ अमेंडमेंट अभी लाए हैं, वो बहुत यूजफुल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम, उसका जो गवर्नेंस है उसको कैसा इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में हमने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पिछले साल उनको क्रिलिक डेटा सिस्टम के साथ जोड़ दिया है हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी हम इंट्रोड्यूस किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हमने ये कहा है कि उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो 40% से बढ़ाकर उसको 75% तक हम बढ़ा दिए हैं हम। तो कई सारे कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हम बहुत सारे रेगुलेशन का स्टेप्स ले रहे हैं, तो आगे जाके मतलब हम जितने स्टेप्स जरूरी है हम आगे, मतलब कई सारे स्टेप्स ले चुके हैं, जो जरूरी होगा वो आगे जाके जरूर लेंगे वो स्टेप्स। आपने जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की उसमें आपके डिस्कशन पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि आप सीईओस का टेन्योर कैप करना चाहते हैं, प्रमोटर नॉन प्रमोटर अलग अलग आपने नियम बनाए हैं, तो ये कोई भी ड्यूरेशन कि 10 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, ये आपने किस तरह तय किया? देखिए, उसका बहुत सारे कारण है और बेसिस भी है क्यों हमने 10 साल और 15 साल रखा है, लेकिन एट दिस पॉइंट क्योंकि वो डिस्कशन पेपर अभी हमने पब्लिक डोमेन में रखा है और बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जितने सारे सजेशंस आए हैं उसको कंसिडर करके हम फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करेंगे। तो अभी मतलब वो जो 10 साल 15 साल या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सजेशंस आ चुके हैं, उसको पहले हमको एग्जामिन करने दीजिए। एग्जामिन करके जहाँ जहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरी है या कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी करेंगे, तो सजेशंस को मद्देनज़र हम डिसीजन लेंगे आगे जाके। अच्छा, जो पूरी आपकी आपने बात उठाई है और एक आप एक मियाद तय करना चाहते हैं, अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पर आप दो ऐसे बैंक देख सकते हैं जहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्विंग सीईओज रहे हैं, और उसके मुकाबले में कुछ बैंकों में जहाँ पे दिक्कतें आई, जहाँ पे इनकम्बेंट्स को एक्सटेंशन नहीं दिया, आरबीआई ने बदलाव करना पड़ा, वहाँ पे दरअसल सीईओस बदल रहे थे और उसके बावजूद वहाँ दिक्कत आई, तो ये पूरा का पूरा ये मानना कि सीईओ के टेन्योर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव होती है, क्या ये सही? देखिए, मैं ये जो डिस्कशन है इसको मैं पर्सनल नहीं करना चाहता हूँ, दोनों तरफ एग्जाम्पल्स है, अच्छे बैंक्स जो आप कह रहे हैं लॉन्ग सर्विंग टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर रहा है, लॉन्ग टेन्योर रहते हुए भी कुछ बैंक जो है मतलब वो फेल हो गए हैं,
तो दोनों तरफ की एग्जाम्पल्स है। गवर्नेंस डॉक्यूमेंट हमने जो गवर्नेंस पेपर अपलोड किया है पब्लिक डोमेन में, जिसके सजेशंस आ गए हैं, उसको हम कंसिडर करके एक बैलेंस्ड और कैलिब्रेटेड डिसीशन हम लेंगे। एक और मुद्दा जिस पे सभी की नज़र है वो गोल्ड से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, जिसमें हाल के दिनों में सरकार की ओर से काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और भी आगे लिए जाएंगे ऐसा हमें लगता है। गोल्ड के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाने पर बात हो रही है, जाहिर है कि इस पे आरबीआई की मंजूरी, सहमति या कंसल्टेशन ज़रूरी होगा। देखिए, स्कीम अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार से कोई स्कीम अगर आएगा तो हम उसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे, उसके ऊपर अपना जो व्यूज़ है सरकार को देंगे। तो आपको आपका अपना कोई व्यू है कि इस तरह की स्कीम लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है काफ़ी कैपिटल वहाँ पे भी स्टक है और उसको बाहर लाना चाहिए। देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मेरे पास है, इस चेयर में बैठकर आज मैं जो व्यू आपको कहूँगा वो आरबीआई का व्यू होगा। एक गोल्ड बोर्ड बनाने की चर्चा आरबीआई के अंडर में सामने आई थी, क्या इस पे आगे कोई बात हुई है सरकार से आपकी? उसके बारे में मेरे जानकारी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, वो एक शायद किसी डिस्कशन में वो आया था पहले, लेकिन कोई फैसला तो अभी तक लिया नहीं, आगे कोई कॉन्क्रीट मतलब हमारे पास अभी तक आया नहीं है। मैक्रोस पे अगर एक बार फिर से वापस आएं, पिछले दिनों में आपने अपने रिपोर्ट में जीडीपी के और सीपीआई के आंकड़े और प्रोजेक्शन जिस तरह से आप दिया करते थे वो आपने देने बंद किए, आपने बताया कि काफ़ी अनिश्चितता है। अब चूंकि अगली जो पॉलिसी होगी वो हाफ ईयरली पॉलिसी होगी, तो क्या अब आप वो आंकड़े फिर से देने शुरू करेंगे? हाफ ईयरली पॉलिसी मतलब? यानी आप अप्रैल और अक्टूबर की जो पॉलिसी होती है वो बड़ी पॉलिसी होती है, उसमें आप एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी पेश करते रहे हैं एमपीआर का जो डॉक्यूमेंट होता है, इस लिहाज से? नहीं, सारे पॉलिसी जो एमपीसी मीटिंग है, सारे एमपीसी मीटिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर वन। इसका ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और एक बात आपको भी कहना चाहता हूँ, हर एक एमपीसी से पहले हम बहुत कंसल्टेशन करते हैं, इनफॉर्मली बहुत कंसल्टेशन करते हैं हम करते हैं एनपीसी के जो मेंबर्स है वो भी अपने लेवल पर कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, और ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली जो एमपीसी होगा वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ना, वैसा नहीं है। चूंकि सारे मीटिंग सारे मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है। मार्च के मीटिंग में हमने आरबीआई के हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा, मतलब कई सालों में ये बहुत बड़ा एक कट था, 75 बेसिस पॉइंट्स जो हमने कट किया मार्च में, वो तो मतलब हाफ ईयरली मीटिंग उसको मतलब बाई कोइंसिडेंस हाफ ईयरली वो हो गया मतलब मार्च में, लेकिन ऐसा वो नहीं है। और फिर आगे जाके हमने मई में भी 40 बेसिस पॉइंट कट किया, तो एवरी एमपीसी मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या अब आप स्थिति में हैं कि आप फिर से जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देने शुरू करें, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा इस वक्त? क्या देखिए, आगे जाके अगला एमपीसी मेंबर्स जो आते हैं, एक्सटर्नल कमिटी मेंबर्स आते हैं, उसको उनका व्यूज भी जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं इसका ये है कि जो एनवायरनमेंट है एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, इसमें आप कोई भी फिगर दे दे, आप आगे जाके 15 दिन मतलब या 1 महीने के बाद वो पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आरबीआई के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम एक फिगर आज दे दें और कल इसको बदल दे, तो हम बहुत केयरफुली कहना चाहिए। सेंट्रल बैंक जब एक कोई फिगर देता है उसका मतलब वो सॉलिड होनी चाहिए, और जो अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन में कोई भी नंबर देना और ये कहना कि यही होगा इस साल का जीडीपी, वो बिल्कुल मुश्किल है। और इसीलिए हम कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं, डायरेक्शनल गाइडेंस दे रहे हैं कि इस साल का जो है फर्स्ट हाफ में कॉन्ट्रैक्शन विल बी सीवियर, लेकिन सेकेंड हाफ H2 में इम्प्रूवमेंट होगा और एनुअल जो ग्रोथ है इस साल नेगेटिव रहेगा। ये एक फॉरवर्ड गाइडेंस हमने दे दिया, और नेगेटिव में कितना नेगेटिव वो कहना मतलब बहुत मुश्किल है। इसमें मतलब कोई भी नंबर आप दे दे वो आगे जाके जरूर उसको बदल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं और वी आर प्लेइंग सेफ। कुछ क्लैरिटी आ जाए, मतलब मान लीजिए कोविड कब थोड़ा सा फ्लैटन हो गया और लॉकडाउन रिमूव हो गया बहुत सारे जगह पे और नए हॉटस्पॉट्स आना बंद हो गए, तो कुछ क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम इन्फ्लेशन हो या जीडीपी है उसके बारे में हम नंबर जरूर देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, दरअसल आपने जो रेट कट सभी तक किए हैं, जैसे आपने कहा बहुत ही बोल्ड मूव माना जाएगा, क्योंकि आपने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए 125
55 बेसिस पॉइंट रिवर्स रेपो रेट काटा, 115 बेसिस पॉइंट आपने रेपो रेट काटा एक के बाद एक मीटिंग्स में, तो इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जैसे आपने पिछली पॉलिसी में बताया अभी तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रांसमिशन आप हासिल कर पाए। उसके पीछे जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आपने रेट के साथ साथ जो LTRO किए, ट्विस्ट किया, हर तरह के अनकन्वेंशनल मेजर्स यूज किए, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी यहां से आगे, क्योंकि फिर से अब यील्ड्स बढ़नी शुरू हुई हैं, फिर से थोड़ा मार्केट में अनसर्टेंटी है, लोगों को लगता है शायद अब और ज्यादा जगह नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तमाम तरह के सवाल हैं बॉन्ड प्लेयर्स के दिमाग में, तो क्या आप इसको मैनेज करने के लिए, स्प्रेड को मैनेज करने के लिए और अनकन्वेंशनल कदम आगे अभी उठाएंगे? देखिए, मैंने पिछले मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में और उससे पहले भी, आई थिंक पिछले जो चार महीने में मार्च के बाद जितने स्टेटमेंट मैंने दिया है उसमें रिपीटेडली मैंने ये कहा है कि वी स्टैंड बैटल रेडी, मतलब युद्ध के लिए RBI तैयार है, सारे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टेबल पर है और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे टेबल पे है, जब जब जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज करेंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आंकड़े देता हूँ, टी बिल और 10 ईयर के बीच इस समय करीब 2.5% 2.5% का स्प्रेड है, जो कि एवरेज 83 बिप्स होता है, तो आप 80-85 बिप्स मान सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप देखें तो AAA का स्प्रेड 35-40 बिप्स चलता है, लेकिन AA प्लस में 150 बिप्स हो जाता है, AA माइनस में तो 325 बिप्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो आपने शॉर्ट टर्म के रेट्स तो कम कर लिए आपके मूव्स की वजह से, लेकिन अभी भी जो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है वो इतनी कम नहीं हो पाई है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? पिछले जो MPC स्टेटमेंट में मैंने सारे डिटेल्स दिया है, AAA बॉन्ड्स में कितना कम हुआ, आई थिंक शायद 276 बेसिस पॉइंट्स या 200 के ऊपर बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है प्री कोविड और अभी का जो सिचुएशन है। AAA, AA, इवन BBB माइनस, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है लेकिन लोएस्ट ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, BBB माइनस, उसमें भी रेट्स आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट्स कुछ कम हुए हैं। सो अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल सेक्टर में जो बॉन्ड मार्केट में है रेट्स कम हुए हैं, नए लोन के लिए बैंकों के, मतलब बैंक का जो नए लोन है उसमें भी 161 बेसिस पॉइंट्स जो ट्रांसमिशन हुआ है, और मार्च के बाद 92 बेसिस पॉइंट्स ट्रांसमिशन हुआ है बैंकों के नए लोन पर। तो ट्रांसमिशन तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का है दोनों तरफ, नए लोन के लिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड, दोनों तरफ ट्रांसमिशन हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम डेली रेगुलरली, हमारा जो टीम है उसको वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और जब भी कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगा हम इंटरवीन करेंगे, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे, यह हम मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो आपका ये एश्योरेंस काफ़ी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, एक तो आप रेट की बात कर रहे हैं, दूसरे की कितने लोन मिल रहे हैं, अगर आप पिछले साल भर में देखें तो करीब अराउंड 5.3-5.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है, जो अगर उसके पहले के 12 महीने से आप कंपेयर करें तो करीब आधा हो जाता है। हाल में जो लोन बढ़े भी हैं उसमें मुझे लगता है बड़ा हिस्सा, करीब करीब 20-25% तो वो है जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिया जा रहा है। तो जो अमाउंट डिस्पर्स हो रहा है इस समय बैंकिंग सिस्टम की ओर से वो भी काफ़ी कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, एक पेंट अप डिमांड या पेंट अप एक इन्वेस्टमेंट के लिए हो या डिमांड के लिए हो, एक पेंट अप जो है फैक्टर अभी प्ले कर रहा है। सबको क्लैरिटी चाहिए आगे जाके ये कितने दिन तक चलेगा वो कोविड, तो किसी तरह से अगर बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, कोई वैक्सीन का सॉल्यूशन निकल आता है या कर्व फ्लैटन हो जाता है, और वो तो ज़रूर होगा, मतलब वो 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मेरे कहने की मतलब कह नहीं पाऊँगा, लेकिन कंट्रोल तो ज़रूर होगा और उसके बाद ज़रूर, और इंडिया का जो पोजीशन है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है और मेरा ये मानना है कि देखिए, इंडिया का जो कोर रेसिलियंस है, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हमारे इकोनॉमी का, फंडामेंटल्स जो है और जो हमारे इकोनॉमी का एक जिसको कहते हैं कि बैकबोन है, वो बहुत सॉलिड है और इंडियन इकोनॉमी जरूर रिवाइव करेगी। एक आपने बहुत अच्छी बात कही अपने मिनट्स में कि पेट्रोल डीजल पे जो रेट बढ़े हैं टैक्स के, वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़े नॉर्मलाइज होंगे तो उससे भी महंगाई कम होगी, तो इससे कंज्यूमर्स भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन चूंकि आप दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, आपने इतने सालों तक वित्त मंत्रालय में सरकार के साथ काम किया है, क्या सरकार के पास मौका है कि वो इसको रैशनलाइज कर पाए? देखिए, सरकार के पास मौका है, वो तो सरकार को फैसला करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।
लेकिन जो यील्ड बढ़ रही है अभी वो इस वजह से भी बढ़ रही है कि कुछ 12 लाख करोड़ केंद्र सरकार को उठाना है, अगर राज्य सरकार जोड़ दें, अगर पीएसयू जोड़ दें तो 20 लाख करोड़ तक का आंकड़ा हो जाता है। तो बाजार को ऐसा लगता है कि ये एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जो मार्केट यील्ड्स हैं या स्प्रेड्स हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं। तो कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि आप डायरेक्ट मोनेटाइज कर सकते हैं या किस तरह के आप कदम उठाएंगे, क्या इसके लिए आपने कोई प्लान किया है ताकि सरकार की इतनी बोरोविंग की वजह से यील्ड ना बढ़े, जो एक्चुअल बोरोवर है जिसको आप कह रहे हैं कि वो बहुत दिक्कत में है उसकी कॉस्ट ना बढ़े? देखिए, आरबीआई जो है वो सरकार का डेट मैनेजर है, केंद्र सरकार का और राज्यों का भी जो डेट मैनेजमेंट वो आरबीआई करता है। सो एज द डेट मैनेजर गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो कैसे नॉन डिसरप्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट हो वो हम इंश्योर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जब जैसी सिचुएशन होगी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी आपने कोई मन नहीं बनाया या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई? वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी अगर हमने इंटरनली डिसाइड किया है वो तो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन मैं ये रिट्रेट करना चाहता हूं कि नॉन डिसरप्टिव मैनर में सरकार का जो गवर्नमेंट बोरोइंग है उसको कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए, वी आर कमिटेड टू दैट। ओके, अब चूंकि अगली जो आपने कहा कि पॉलिसी कमेटी आएगी, नए मेंबर्स आएंगे, उनके साथ मिलकर के आप काफ़ी चीज़ों पे व्यू लेंगे, तो हम ये माने कि अगली पॉलिसी मीटिंग के पहले ये कमेटी आ जाएगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसके बारे में तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन आ जाना तो चाहिए ज़रूर। ओके, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हाल के स्टेटमेंट से ऐसा थोड़ा अंदाज़ा भी लगा, एक तरफ रियल इकोनॉमी है इस समय जिसमें काफ़ी दिक्कतें हैं जिसकी आपने लगातार बात की, हमने लगातार बात की, दूसरी तरफ हमारे बाजार हैं जहाँ पे काफ़ी जबरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, कि आप कहीं डिस्कनेक्ट देखते हैं? नहीं, डिस्कनेक्ट तो है, जिसके बारे में हमने एमपीसी रेजोल्यूशन में भी हमने बहुत साफ से कहा है, और मैंने कई जो कोई स्पीच में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, और हमारा एमपीसी रेजोल्यूशन में भी है। ये इंडिया के लिए ये पिक्यूलियर फिनोमिनन नहीं है, ये सारे ग्लोबल इकोनॉमी, सारे कंट्रीज में, सारे देशों में यही हो रहा है, क्योंकि अभी इतना लिक्विडिटी है सिस्टम में, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट से, जो फाइनेंशियल मार्केट्स, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट जो सेगमेंट है वो बहुत, मतलब अभी बहुत उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और वो रियल इकोनॉमी के साथ डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड है। वो आगे जाके करेक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन कब होगा करेक्शन वो, मतलब ये हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके तरफ रेगुलरली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह का आ सकता है, अगर आए तो उसको किस तरह से डील करना पड़ेगा, उसके लिए हम ज़रूर स्टेप्स लेंगे। आपने देखा होगा कोई म्यूचुअल फंड अभी रिसेंटली, जो एक म्यूचुअल फंड आपका एक दिक्कत में आ गया, कोलैप्स कर गया था, उसके कुछ सारे स्कीम्स जो, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आगे से नहीं पैसा लेंगे, और जो प्रॉब्लम आई थी तो तुरंत हमने एक लिक्विडिटी विंडो खोला 50,000 करोड़ का, और वो जो प्रॉब्लम था म्यूचुअल फंड सेगमेंट में वो सेटल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आएगा तो आरबीआई लिक्विडिटी दे देगी, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक टर्म्स में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट बिहेवियर कोई भी सेगमेंट हो उसका फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट है वो उसका हम रेगुलरली बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और जो स्टेप्स जरूरी है वो स्टेप्स हम लेते रहेंगे। इनफैक्ट आपने जो कदम उठाए थे म्यूचुअल फंड को लेकर के, उस पर जो हमारी बात होती थी, हमें जो फीडबैक मिला, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि आरबीआई ने इतने वक्त पे कदम उठाया, उसके लिए हम आपको ज़रूर बधाई देंगे। बाजार का ये जो डिस्कनेक्ट है, जो बाजार के पार्टिसिपेंट ये मान के चल रहे हैं कि ये साल तो गया, इस फिस्कल में अब आपको दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन अगले फिस्कल में फिर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, चूंकि बाजार 6 महीने 9 महीने 12 महीने आगे देखता है, और शेयर प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं इस कोविड के क्राइसिस में, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब हम 6 महीने का कम से कम क्राइसिस देख चुके हैं। क्या आपको लगता है कि बाजार की ये सोच ठीक है या अगले वित्त वर्ष को भी लेकर? स्टॉक मार्केट के बारे में आई थिंक मेरे जो कोलीग है सेबी चेयरमैन, उनको वो कहना, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट या जो स्टॉक बाजार की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इकोनॉमी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक तरह से सर्टेनिटी आ जाता है कोविड कर्व के बारे में, या कोई वैक्सीन के बारे में, या जो नए हॉटस्पॉट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अगर कुछ लेवल का सर्टेनिटी आ जाता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी विल रिवाइव।
तो अगले वित्त वर्ष को लेकर के अभी से चिंता करनी चाहिए या अगले वित्त वर्ष में सुधार की उम्मीद करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, चिंता तो हम करते रहते हैं, इस साल का अगले साल का चिंता तो करते रहिए करते रहते हैं हम आरबीआई में। और करना चाहिए, किसको करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आरबीआई में जो है हम इस साल अगले साल उसके बारे में हम जरूर एनालाइज करते रहते हैं और जो भी कदम जरूरत होगा हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। नमस्कार।